मित्रों नमस्कार। हम हैं धनी राम पटेल एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़, और हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, प्रोफेसर विधिवेत्ता और भारतीय संस्कृति के अध्येता। और डॉक्टर साहब से आज चर्चा करेंगे कि ये जो अभी इजराइल और हमास की जो युद्ध है उसमें एक विचारधारा है ईरानी क्रांति, और ईरानी क्रांति का जो विचारधारा है जो 1979 में हुई उसके कई एंगल को भारतीय मीडिया ने और दुनिया के मीडिया ने इग्नोर किया उस विचारधारा को। ईरानी क्रांति जब हुई और ईरान में उस समय किंग शाह पहलवी का शासक था, तो वहाँ की कल्चर मॉडर्न कल्चर था, वेस्टर्न सोसाइटी थी, को एजुकेशन था, और आयतुल्ला खुमेनी ने जब ये क्रांति की शुरुआत किया तो उनका कहना था कि इस्लाम में किंगडम कुफ्र है, यहाँ की व्यवस्था कुफ्र है, यहाँ की सोसाइटी वेस्टर्न सोसाइटी है जो गैर इस्लामिक है। ये सब एजेंडा के तहत उन्होंने क्रांति की शुरुआत किया था, और 1979 में क्रांति सफल हुई और आयतुल्ला खुमेनी सुप्रीम लीडर बने वहाँ के धार्मिक प्रमुख। और उसके बाद अभी जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामेनी है उनके पुत्र, तो एक तरह के वहाँ भी एक किंगडम की शुरुआत हो गई कि आयतुल्ला खुमेनी जी के बाद उनके पुत्र आयतुल्ला खामेनी अभी सुप्रीम लीडर हैं। तो वो जो विचारधारा था क्रांति के, ईरान की क्रांति के, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समझौता हुआ था, केम डेविड समझौता को नहीं मानता, वाशिंगटन में जो कई समझौते हुए थे उनको नहीं मानता, ओस्लो एकार्ड को नहीं मानता, ईरान की जब से क्रांति हुई है और उसके बाद जो शासन व्यवस्था है वो इजराइल को कंप्लीट, यहूदियों को कंप्लीट इलिमिनेट चाहता है फिलिस्तीन से, इजराइल से। और उस समय भारतीय मीडिया इसको बहुत ग्लैमराइज किया कि वहाँ जो क्रांति हो रही है। मैं पढ़ा था डॉक्टर साहब उस समय माया पत्रिका मेरे पास था, अभी नहीं है, सब इधर उधर वो हो गया। माया पत्रिका आपको, आप भी जानते होंगे, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी आपके माने उत्तर प्रदेश से, तो उसमें उस क्रांति के बारे में जो भी इनका एजेंडा था, ये जो भारतीय दर्शन है और आज ग्लोबल विलेज की दर्शन है, वो सनातन दर्शन है को एग्जिस्टेंस, उसमें को एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं है इस्लाम की। ईरानी क्रांति में वो उम्मा पे विश्वास करती है और पूर्ण रूप से ईरान में इस्लामिक शासन की बात की है, और वर्ल्ड वाइड उसका विजन है कि इजराइल जैसे राष्ट्र को, इजराइल के अस्तित्व को कंप्लीट इलिमिनेट होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब मेरे को मेरा ये आपसे पूछना है कि इस विचारधारा जो ईरान क्रांति के जो विचारधारा है, आज दुनिया के 10 इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिंपथाइजर है, सपोर्ट कर रहा है, चाहे हूती हो, हमास हो, हिजबुल्ला हो, बोको हराम हो, चाहे सीरिया के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस विचारधारा को रहते आप क्या मानते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल की समस्या का समाधान हो सकता है, या आपको लगता है कि ऐसे विचारधारा को हमें सख्ती से निपटना चाहिए? जब तक सख्ती से निपटेंगे तब तक ये दुनिया में कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी, ग्लोबल विलेज की पॉलिसी और एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने की पॉलिसी इस्टेब्लिश नहीं होगी और दुनिया में शांति नहीं आएगी, इसके बारे में क्या कहना है डॉक्टर? पहला प्रश्न आपका ये कि क्या जब तक ये विचारधारा है वो पैलेस्टाइन और इसराइल में कोई पीस आ सकता है? आंसर उसका बहुत सिंपल है, नहीं आ सकता। विचारधारा क्या है?
विचारधारा है, क्योंकि अगर आप देखें ये जो आप ईरानियन क्रांति की बात कर रहे हैं, ईरानियन क्रांति क्या थी, द जीस्ट ऑफ ईरानियन क्रांति की जो मोहम्मद रेजा पाशा या ऐसे कुछ उनका नाम था जो ईरान के, हाँ तो मतलब उनका जो रेजा शाह पहलवी ऐसे नाम था उनका, एनीवेज तो उनका जो मेन कंसर्न था, ही वांटेड टू मॉडर्नाइज ईरान, ही वांटेड टू वेस्टर्नाइज ईरान। और देखिए ये जो पर्शियन अम्पायर, हमको ईरान को समझना पड़ेगा, हम ईरान को एक ज्योग्राफिकल ये के अगर तरीके से समझेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। ईरान का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो जाता है सेंट्रल एशिया से होते हुए रहता है, तो ये पूरा जो सेंट्रल एशिया ये जो लोग थे ये एक समय पर्शियन जो सोसाइटी थी उसके इन्फ्लुएंस में थे, ये यहाँ तक उनका वो चलता था पॉलिटिकल, वो कल्चरल भले इंडियन इंडियन लाइफस्टाइल से सेंट्रल एशिया वो हुआ था, क्या नाम है, सेंट्रल एशिया इन्फ्लुएंस हुआ था, लेकिन पॉलिटिकली पर्शिया से उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहा। तो सो मच सो दैट कि आप आज भी जाएंगे, जब मैं कजाकिस्तान में था तो मैंने देखा वहां के लोग नवरोज सेलिब्रेशन मना रहे हैं, नवरोज फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, जबकि नवरोज की जो जर्मिनेशन होता है वो तो ईरान से होता है, वो अवेस्ता किताब से होती है, वो पार्शियन रिलीजन है, ठीक है ना, जिसको ज़ोरास्ट्रियंस कहते हैं। तो एक इन्फ्लुएंस है ईरान का काफी बड़े एरिया पे, ईरान का छोटा मोटा इन्फ्लुएंस नहीं है, सेंट्रल एशिया पे काफी इन्फ्लुएंस है उनका, मिडिल ईस्ट में काफी इन्फ्लुएंस है पर्शियन एम्पायर का। उसके बाद ये जो अरब वर्ल्ड, तो अरबों की तो जो राइज होता है वही होता है इस्लाम के आने के बाद, लेकिन अगर आप, और जो अरब एज अ नेशन की बात हो रही है, लेकिन पर्शियन कोई नेशन तो नहीं था, पर्शियन तो एम्पायर था, ठीक है, तो जैसे रोमन एम्पायर है, रोमन कोई वो कोई एक रेस नहीं था, रोम का एम्पायर जो यूरोप और मिडिल ईस्ट के या वेस्ट एशिया के इलाके में जो फैला हुआ एम्पायर था उसको आप रोमन एम्पायर कहते हैं। उसी तरीके से ये जो पर्शियन एम्पायर है इसका इन्फ्लुएंस काफी दूर दूर तक था, उसमें काफी बड़ी ह्यूमन जो सोसाइटी थी उसके इन्फ्लुएंस में आती थी। और ये सब ये मिडिल ईस्ट और ये इसी एरिया में हो रहा था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, आप उसको इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कोई लेना देना नहीं था, इवन चाइना के बाहर इनका कोई, इंडिया के अब बियॉन्ड कभी इन्फ्लुएंस होया ही नहीं, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन ने इन पर्शियन सिविलाइजेशन को बाकी सभी सिविलाइजेशन के अगेंस्ट में एक सेफ गार्ड का काम किया, एक फायरवॉल का काम किया, यहां से इंडियन सिविलाइजेशन अलग डेवलप हुई, इन्होंने पर्शियन सिविलाइजेशन से अपने आप को अफेक्टेड नहीं होने, ठीक है ना। इवन आप अवेस्ता में देखेंगे जो ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन है उनकी भी जो गॉडेस ऑफ धन है वो लक्ष्मी है, और उसका नाम भी लक्ष्मी ही है। तो पॉइंट ये कि इंडियन सिविलाइजेशन वाज सो ग्रैंड, और ये जिसका कि आपको वर्णन मिलता है इवन ओल्ड टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि जिसको आप तोरा कहते हैं, उसमें 5 किताबें, तो उसमें जो बुक ऑफ ईस्थर है उसमें आपको इसके एक छोटी कहानी के रूप में इसका वर्णन मिलता है। बॉटम लाइन कहने का यह है कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन था इतना ग्रैंड था, इतना डेप, इतना डीप था कि ये सिविलाइजेशन को ये पियर्स नहीं कर पाया पर्शियन सिविलाइजेशन। तो इसने अपना जो इन्फ्लुएंस था ये ईस्टवर्ड किया इंडिया का, इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि जब वेस्टवर्ड ये इंडियन सिविलाइजेशन जो हौदा के नाम से जाना जाता था उसको, जब ये अरब समाज, अरब नेशन का जब उद्भव हुआ, वो अरब नेशन का उद्भव होता है इस्लाम के आने के बाद। इस्लाम और अरबीज्म एक चीज है, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, जैसे पर्शियन और इस्लाम एक चीज नहीं है, सेंट्रल एशियन और इस्लाम एक चीज नहीं है, लेकिन अरब एंड इस्लाम एक ही चीज है। तो आप रिलीजन के नाम पे बेसिकली पॉलिटिकल जो है इंपीरियलिज्म को आप रिलीजियस फ्रीडम कहना चाहते हो, जो 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 नहीं होना चाहिए। रिलीजियस फ्रीडम का हद होता है कि आपको जिस भगवान को मानना है, जिस डेइटी को मानना है और जैसे पूजा करना है और जो त्योहार मनाने हैं उसकी आपको आजादी है। लेकिन रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे अगर आप लॉस की डिमांड करेंगे कि हमें अपना लीगल सिस्टम चाहिए, हमें अपने जज चाहिए, हमें अपना पुलिस चाहिए, हमें अपना जो है वो ज्यूरिसप्रूडेंस चाहिए, वो फिर रिलीजियस फ्रीडम के दायरे में नहीं आ सकता, वो आता है पॉलिटिकल स्फीयर के दायरे में। तो पॉइंट मेरे कहने का ये मतलब है कि जो रेजा शाह थे पहलवी साहब, उन्होंने उनके पिताजी की जो ये पूरी किंगडम थी 1921 में ब्रिटिशर्स के हेल्प से आए थे वो, तो वो अपने पिताजी के बाद वो मॉडर्नाइज कराना चाहते थे, शायद वेस्टर्न ये आइडिया था, जो वेस्ट की भी गलती है
कि वो अपनी आइडियोलॉजी और डेमोक्रेसी को बहुत जल्दी से फैलाना चाहते हैं, पहले सोसाइटी को देखो कि वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है कि नहीं है। पर्शियंस का बहुत डीप इन्फ्लुएंस है इस एरिया में, अपने वेस्ट एशिया की तरफ में, वो हम लोग की तरफ तो आने से पहले खत्म हो जाते क्योंकि यहाँ से बुद्धिज्म और इस सब ने दुनिया को इन्फ्लुएंस कर दिया। इवन इस्लाम भी जो है वो ईरानियन बॉर्डर पे आके रुक जाता है हद से हद तक, ये 900 साल और 1000 साल की कोशिश करने के बाद ये सिंध को अपने कब्जे में ले पाया और आज की डेट में पार्ट ऑफ पंजाब। बाकी जो है इस्लाम जो है इंडिया पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाया एज अ पॉलिटिकल कंसिडरेशन। कुछ पार्ट जीते जरूर मगर वो बैटल जो चलती रहती थी कंटिन्यूअस, कभी एक राजा जीता था कभी दूसरा राजा जीता था। और ये बात बिल्कुल गलत है कि ये जो इस्लामिक राजा आते थे इन्होंने कोई सेक्युलरिज्म के नाम पे राज करने की या पॉलिटिकल बैटल बढ़ा, इन्होंने सीधा सीधा जो है वो बैटल ये था इनका कि यहाँ पे कुफार का खत्म होना है, यहाँ पे ये जो मुशरिकीन है इनको खत्म करना है और यहाँ पे एक जो उनकी मॉडर्न सोसाइटी का डेफिनेशन था इस्लामिक सोसाइटी की गठन करना, क्योंकि पेगनिज्म जो था उससे उनको बहुत प्रॉब्लम थी। हमारे आपके कंसेप्ट को पेगनिज्म कहते हैं, वैदिक नॉलेज को पेगनिज्म कहते हैं ये, और बिब्लिकल नॉलेज को, क्योंकि देखिए कुरान इज एक्सटेंशन ऑफ बाइबल, कुरान बिना बाइबल के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अगर बाइबल नहीं होगा तो आपको कुरान ही नहीं मिल पाएगा। सो कुरान एंड बाइबल आर द सेम कॉन्सेप्ट, उसके मैनिफेस्टेशन में थोड़ा अंतर है बट कंसेप्ट जो है सेंट्रल पॉइंट वो सेम है। जैसे ये अगर बाइबल नहीं, अगर जैसे मोसेस होंगे तो ही आपके प्रॉफिट मोहम्मद आएंगे, मोसेस नहीं होंगे तो मोहम्मद पॉसिबल नहीं है। तो मोसेस ने ही दुनिया को ये बयान दिया है, दुनिया को ये ज्ञान देने वाले कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मोसेस हैं। दुनिया को ये ज्ञान देने वाले कि मूर्ति पूजा हराम है, मुशरिकीन जो है वो काबिले मतलब छोटे और घटिया लोग हैं, ये बताने वाले मोसेस हैं। मोसेस के लोगों ने अपना आपको सेक्युलराइज कर दिया। मोसेस के लोग आज भले इसराइल में रहते हैं लेकिन इसराइल को वो जूइश स्टेट कहते हैं लेकिन उनके सारे के सारे लॉ सेक्युलर हैं। लेकिन मोसेस को इनहेरिट करने वाले जो लोग हैं, जो अपने जो खुद को मुसलमान कहते हो, जो अरबी कहते हैं, क्योंकि मोसेस तो अरबी नहीं था ना, मोसेस तो इजिप्शियन थे एट द बेस्ट। तो लेकिन जो अरब के जो लोग थे और जो इनके प्रॉफिट थे, इन्होंने उसको ये कहते हैं कि उस रिलीजन को हमने इनहेरिट किया है, इसलिए हमारा क्लेम है कि जो मोसेस है वो भी हमारे हो गए, जीसस भी हमारे हो गए, इब्राहिम भी हमारे हो गए, क्योंकि हम उसके ट्रू इनहेरिटर हैं। और ये बात जो है वो यहूदी नहीं मानते कि आप उसके ट्रू इनहेरिटर हो। जैसे हमारी जमीन है, कोई आके लेके बैठ जाए बोले ये अब जमीन मेरी हो गई क्योंकि हमने इसके बाप दादा से अपने आप को रो दिया। मोसेस के मानने वाले लोग ये नहीं कहते, यहूदी ये नहीं मानते कि आप उनके ट्रू इनहेरिटर हो, क्योंकि उनका जो कंडीशन है कि जो मसीहा आएगा जिसका वो वेट कर रहे हैं वो मसीहा पीस लाएगा और उसके दो निशानियां होंगी, माउंट टेम्पल की स्थापना होगी जेरूसलम में और उसके बाद सारे फसाद खत्म हो जाएंगे। तो वो ये बार बार कहते हैं कि जीसस के लोग जो क्लेम करते हैं कि जीसस इज द लास्ट प्रोफेट या लास्ट मैसेंजर या लास्ट सन ऑफ गॉड, जो भी कह लें उनको आप, वो मसीहा थे, उन्होंने कहाँ आया हमारा माउंट टेम्पल और कहाँ हमारे यहाँ पीस आ गई, हम तो और भी मारे गए उसके बाद, बल्कि हमारा तो किलिंग ही बढ़ गया क्रिश्चियनिटी के आने के बाद। वही बात उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के भी कही कि भाई अगर ये प्रॉफिट है और लास्ट मसीहा है तो हमारा तो टेम्पल आया नहीं, चूंकि आप लास्ट होने का जो लेजिटिमेसी का सोर्स है वो तो कुरान में नहीं है ना, वो तो तोरा में है, तो तोरा से आप लेजिटिमेसी दे रहे हो, तो उसके जो ग्राउंड्स हैं कि आप लास्ट मसीहा हैं, उन्होंने उस ग्राउंड को भी बता दिया। तो वो बोलते कि नहीं है, तो यहूदी उनको नहीं मानते, मगर मुसलमान कह रहे कि हम तुम्हारे इनहेरिटर हैं, हमारा तुम्हारा रिलीजन हमने ले लिया है। ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप अगर इस्लामिक बन जाते हो तो वहां का सारा कल्चर इस्लामिक हो जाता है अपने आप। जैसे अब आप मान लीजिए इंडिया के लोग मुसलमान बन गए, तो अब वो उन्होंने क्या किया है कि इंडियन कल्चर में थोड़ा बहुत ट्वीक करके उसको कहते हैं अभी हम इस्लामिक कल्चर है, यानी आप सलवार सूट पहनिए बिंदी मत लगाइए इस्लामिक हो गया, आप समझ रहे हैं। सो ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ दिस आइडियोलॉजी, एक जो रिलीजियस फॉर्म में आती है, रिलीजियस फॉर्म में ये इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करती है। इसी को काउंटर करने के लिए रेजा पेश जो शाह पहलवी थे, उन्होंने कहा कि वी वॉन्ट मॉडर्नाइजेशन डेमोक्रेसी और ये सब की वो बातें करने लगे। इतना आसान नहीं था, चूंकि पर्शियन सोसाइटी में बहुत इन्फ्लुएंस है इस्लाम का, चूंकि अगर आप देखें हदीद को लिखने वाले उसमें पर्शियंस भी थे, तो जो कि जाकर के उन्होंने कि मोहम्मद की कौन सी प्रैक्टिसेस थी कौन सी प्रैक्टिसेस नहीं थी उसका कंपाइलेशन किया, और तो वो उनके जड़ों में है, आप उसको ऐसे एक दिन में आप डिसमेंटल नहीं कर सकते थे। और रेजा शाह पहलवी ने यही किया, वो वेस्ट के कहने, तो ये जो कोशिश रेजा शाह पहलवी ने की वो काउंटर फायर कर दी, क्योंकि आयतुल्ला खुमैनी और उसके जो मदरसा के जो लोग थे उन्होंने इसको ठीक नहीं माना
और उन्होंने कहा कि आप हमें इस्लाम से बाहर ले जा रहे हो, और वो ठीक भी कहा क्योंकि इस्लाम पर्शियन आइडेंटिटी का पार्ट तो बन चुका है ना, उनके लोगों ने एक्सेप्ट तो किया ना। तो ये जो अटेम्प्ट टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ ईरान था, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करवा देना, वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करा देना, सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट करा देना, ये वो नहीं कर पाए। उसके अगेंस्ट में उल्टा वहां पे रिवॉल्यूशन हो गया वो जो। हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ पे देखिए, आज प्रिंस सलमान जो सऊदी अरेबिया के कर रहे हैं, जो व्यवस्था अपनाने की प्रयास कर रहे हैं, वो सब चीजों शाह पहलवी ने अपनाया था। नहीं, शाह पहलवी ने अपनाया था, मगर वो टाइम फ्रेम ठीक नहीं था। देखिए, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, लोगों के मन में वेस्ट से गुस्सा था। जैसे जो लोग इंडिया को नहीं समझ पाते, भाई 1857 आप इंडिया से हिंदुइज्म को कैसे खत्म करोगे। 1857 की क्रांति का मेन फैक्ट ये था कि आप गाय की चर्बी से लोगों को वो करवा रहे थे, उनका दांत कटवा रहे थे, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। दुनिया की सबसे ताकतवर एक छोटा सा अदना आदमी जो था, उसने दुनिया की ताकतवर जो एम्पायर थी उसके सामने रिवोल्ट कर दिया। उसने कहा आप नहीं काटेंगे दांत से, तुम्हारे पास जितना पैसा जितनी शक्ति तुम लगा लो। भाई, ये धर्म की शक्ति थी। आप इंडिया को धर्म से कैसे निकाल सकते हो? अब आज कह रहे हो कि आप इंडिया में कि गाय की चर्बी। मेरा यहाँ पे ये कहना है डॉक्टर साहब, ये जो धर्म, जो ईरानी क्रांति है और भारतीय जो दर्शन है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये भाई इस्लाम और वैदिक फिलोसफी में जमीन आसमान का अंतर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर दोनों फिलोसफी ने लोगों को तो अपने जान देने के लिए वो किया है ना। आप भले अलग फिलोसफी के हो, मगर आप अपनी फिलोसफी पर भरोसा करके मरने को तैयार हो। हम भी अपनी फिलोसफी पर मरने को तैयार हैं। तो जो लोग इंडिया से आकर के, इंडिया में आकर के और वैदिक फिलोसफी को डिसमेंटल करना चाहते हैं, वो इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि वैदिक फिलोसफी ने इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया है। इंडिया को सिविलाइज वैदिक फिलोसफी ने बनाया है। इंडिया की आइडेंटिटी वैदिक फिलोसफी से आती है। इंडिया की पहचान वैदिक फिलॉसफी है। इंडिया का ज्ञान वैदिक फिलॉसफी है। इंडिया की आत्मा वैदिक फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी में आपको कोई फाइनलिटी नहीं है। आप उस फिलॉसफी को जोड़ सकते हो, उसको उपनिषद के थ्रू, ब्राह्मणास के थ्रू और दूसरी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ऐड कर सकते हो, उसमें उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आप कई दर्शन बना सकते हो, आप चरवाक बना सकते हो, आप रिजेक्ट कर सकते हो उसको। बट इंडिया है तो वैदिक फिलॉसफी है, वैदिक फिलॉसफी है तो इंडिया है। वैदिक फिलॉसफी खत्म हो गई, वो पाकिस्तान बन गया। तो ईरान जी मेरा कहना है कि ईरान की जो आइडियोलॉजी है, और मेरे को लगता है कि ईरान के आइडियोलॉजी के कारण लिमिटेड वर्ल्ड वॉर होगा अभी निकट भविष्य में। नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको। ईरान की जो ईरान में ये जो रिवॉल्यूशन आया, ये टॉप डाउन आया, और ईरान में जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा था वो भी टॉप डाउन था, कि ऊपर सब मॉडर्न हो गए थे, नीचे लोग मॉडर्न नहीं थे। अगर राजा मॉडर्न है तो प्रजा, जैसे राहुल गांधी जी अगर कुछ सोच रहे हैं या मोदी जी कुछ सोच रहे हैं और उसको हम लोग नहीं सोच रहे हैं, हम रेजोनेट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, और वो ये सोचे कि जो हम सोच रहे हैं वही भारत है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यही हुआ मोहम्मद शाह पहलवी के साथ। वो मॉडर्नाइज थे क्योंकि उनकी जो सरकार थी, उनका जो राजशाह था, वो चलता ही था ब्रिटेन के दम पे। तो ब्रिटेन ने उनको कहा कि जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस आया है, डेमोक्रेसी आई है, तुम भी बढ़ाओ इसको। यूके और यूएस तो बढ़ाना चाहते थे, उन्होंने इसको बढ़ाने की कोशिश की, मगर सोसाइटी तैयार नहीं थी क्योंकि इंडिया में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आ चुका था। इंडिया के लोकल समाज को गांधी और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और सावरकर और गोलवलकर और हेडगेवार जैसे, तिलक, ये जैसे बहुत से लोग हैं, मदन मोहन मालवीय, इन जैसे लोगों ने भारत को, समाज को जागृत करने का प्रयास किया। तो वो जो ऊपर की सोच थी वो नीचे तक गई है। वी वर रेडी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, we were ready for modernization, but they were not ready for modernization. हमें ये नहीं बताया गया कि modernization के लिए तुम्हें अपनी identity को मिटाना पड़ेगा। जैसे राजेंद्र बाबू थे, वो तो गए ना, सोमनाथ जी का जब रिवाइवल हुआ, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा दोबारा की गई, उसको refurbish किया गया, तो वो गए वहां पे, तो जनता तैयार थी। मगर ये चीज नहीं हुआ ईरान में, जनता नहीं तैयार थी। आज ईरान की जो गवर्नमेंट कर रही है और जनता जो कर रही है, जनता जो सोची है, जमीन आसमान का अंतर है। ईरान के 100% जनता उनके साथ नहीं है। मॉडर्निज्म में दुनिया ने देख लिया है,
मॉडर्निटी को। अब आप देखिए, अभी उस जो बच्ची को इन्होंने फांसी की सजा दे दी थी, उसके सर पे स्कार्फ नहीं था, उसके बाद लोगों ने, क्योंकि देखिए ये दो क्रांतियों को आप ध्यान से देखिए, 1979 की जो क्रांति आई तो उसमें लोगों ने खुमैनी के खिलाफ, खाली एक पेपर में आर्टिकल छप गया था, उसके खिलाफ लोग रोड पे आ गए कि आपने कैसे कह दिया हमारे रिलीजियस लीडर के अगेंस्ट में, और लोगों ने उस क्रांति को वो किया क्योंकि उनके लीडर के अगेंस्ट में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में कुछ बातें छप गई थी। उस इस बार क्या हुआ, जब एक बच्ची को उसके स्कार्फ के लिए नहीं उसको सजाए मौत दे दी, तो लोगों ने आकर के पगड़ियां उछाली हैं मौलवियों की। ये तो ईरान के लोगों ने किया, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ये उन्होंने एक मूवमेंट बना दी कि कोई चलता हुआ मौलवी जा रहा है, मौलाना जा रहा है, वो उसके पगड़ी को ऐसे मार के जाते थे क्योंकि गुस्सा था। लेकिन मेरा कहना यह है डॉक्टर साहब, जो क्रांति के बाद शासन इस्टेब्लिश हुई है ईरान में, उसके जो विचारधारा है, आप मैं ये मेरा एक विचार है, परमाणु एटॉमिक पावर बनने के करीब पहुंच गया है ईरान, और इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है, और जैसे रिएक्ट कर रहा है जो भाई ईरान, नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन ईरान जैसे रिएक्ट कर रहा है वो प्रॉक्सीज के थ्रू कर रहा है। हाँ वही तो भाई, तो वो तो करता ही रहेगा, पीस आपको नहीं आएगा, लेकिन आप कह रहे हो कि वो वर्ल्ड वॉर कर देगा, वो संभव नहीं है। भाई आपके टॉप मोस्ट ब्रिगेडियर को, टॉप मोस्ट आर्मी, 5-स्टार डेकोरेटेड आर्मी जनरल को अमेरिका ने मरवा दिया था ट्रंप ने। क्या किया आपने भाई, से अटैक ऑन स्टेट, कासिम अहमद सुलेमानी या जो भी नाम था उनका, उनको तो उन्होंने ड्रोन में मरवा दिया। क्या कर लिया ईरान ने, ये तो बदला ले रहे हैं ना, ये वर्ल्ड वॉर वाला दम नहीं है। आप हुती रिबेल को तैयार कर लोगे, आप हिजबुल्ला को तैयार कर लोगे, इधर 100 को मार दोगे, उधर 100 को मार दोगे, इससे ज्यादा की क्षमता। यहाँ समस्या है डॉक्टर साहब, जैसे इजराइल का अस्तित्व का सवाल है, हमास को कंप्लीट डिसमेंटल करेगा इजराइल, और ऐसे जो ताकत हैं, ये आपने हमने हमारे गांधीवादी आदर्श विचारधारा से ये लोग लाइन में आने वाले नहीं है, तो मेरे को डर ये लग रहा है, मेरा आशंका है कि ईरान की जो विचारधारा है, जो वर्ल्ड के 10-12 ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो उसको इजराइल और अमेरिका चाहेंगे कंप्लीट डिसमेंटल। तो वही हो रहा है हमास के लिए ना, एक लिमिटेड वार होगा, हो सकता है, ये तो हो ही रहा है ना, ये हमास में क्या हो रहा है, ये वॉर है ना। देखिए आप जब लॉज ऑफ वॉर पढ़ेंगे तो लॉज ऑफ वॉर की रिक्वायरमेंट है कि दो स्टेट के बीच में डायरेक्ट वॉर को ही वॉर कहते हैं। अगर एक तरफ नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास जैसी, हिजबुल्ला जैसी, हुती रिबेल जैसी, उसको वॉर नहीं कह सकते आप टेक्निकली, हालांकि वो वॉर है। पॉइंट ये कह रहे हैं कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ वॉर एंड देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्सेंस ऑफ पीस। इसराइल को यह सीखना पड़ेगा, या इसराइल को अब इसके साथ रहना पड़ेगा कि भाई ये होगा, हर 10 साल बाद ये इरप्ट हो जाएगा, ये फोड़ा अपने उससे निकलेगा, मवाद भर के निकलेगा, क्योंकि ये उन्हीं की देन है, ये मोनोथीजम वर्सेस मोनोथीजम की लड़ाई हो रही है ना। हम कौन सा लड़ रहे हैं, पेगन लड़ रहा है क्या, कोई बहु ईश्वरवादी जाके लड़ रहा है, मोसेस लड़ रहे हैं मोहम्मद से, मूसा की लड़ाई मोहम्मद से हो रही है ना, राम की लड़ाई मोहम्मद या राम की लड़ाई मूसा से तो नहीं हो रही है, कोई समस्या ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ये जो टू, ये जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथीज़म है, उसमें जो मूसा के मानने वाले लोग हैं वो बदल गए, वो उन्होंने कहा कि नहीं अब हम सेक्युलरिज्म के रास्ते पे जाएंगे। मूसा के जो रियल हेरिटेज है, बिकॉज देखिए मोहम्मद में और जीसस में ये अंतर है कि प्रोफेसी ऑफ मोहम्मद साहब वो आती है आपका अरबिक वर्ल्ड से, लेकिन जीसस तो जूस थे। जबकि आपका ये देख ले, जो प्रॉफेट मोहम्मद थे ये आपके जूस नहीं थे, तो अरब थे। तो जूज और ये जो है यहूदी, ये एक दूसरे को समझते, ये भले एक दूसरे को मारे हों लेकिन ये एक ही परिवार के लोग हैं, चूंकि जीसस क्राइस्ट जो थे वो यहूदी थे, मगर मोहम्मद तो नहीं थे यहूदी, वो तो अरब थे, उनकी तो लीनियज अरबिक है। तो उन्होंने यहूदियों का रिलीजन खुद को ले लिया, उसमें अरबिक जो था वो जो कॉन्सेप्ट उसको ले दिया, उसमें डाल दिया।
तो पॉइंट ये है ना कि भाई यहूदी कहते तो हमारे परिवार के नहीं हो। अब जैसे भाई आप ये देख ले, इस्लाम में भी तो यही हुआ ना, जब प्रॉफिट मोहम्मद डेथ कर गए तो उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद लड़ाई हो गई अली में और अबू बकर में कि कौन बनेगा इनका जो सक्सेसर है। वो बात उसके बाद आयशा और अली में लड़ाई हुई है। पॉइंट ये है कि ये आपको समझना पड़ेगा, दिस अ बेसिक कॉन्सेप्ट, अरब्स आर नॉट इजराइलाइट्स। नहीं वो तो है, जीसस वाज इजराइलाइट, मोसेस वाज इजराइलाइट। नहीं वो तो है, वो एक मिनट में बता दूं, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। वो अपने आप को इजिप्शियन पेगन रिलीजन से अलग कर रहे थे, मगर पार्ट तो वो इजिप्शियन सोसाइटी का ही थे ना। है ना, तो जो मोसेस हैं, उन जो मोसेस को मानने वाले हैं उनके लिए तो माउंट सिनाई सबसे ज्यादा पवित्र है, लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद को मानने वाले हैं उनके लिए तो माउंट जो हीरा है या उसका क्या नाम है जो अरब में है, वो उनके लिए सबसे पवित्र है। जैसे आप समझे सिखिज्म में क्या हुआ, गुरु नानक देव जी, आज उनकी जयंती है तो गुरु नानक देव जी की जयंती में सबको बहुत बहुत लक लक बधाइयां। लेकिन पॉइंट क्या है कि गुरु नानक देव जो है उन्होंने जो अपनी टीचिंग रखी वो तो उसी टीचिंग को देखी ना, कि जब इंडिया पे अटैक होता था और ये इस्लामिक आक्रांता अटैक करते थे और उसमें कुछ उन्होंने देखा होगा कि यहाँ के लोकल जो लोग थे वो वैदिक फिलॉसफी को नहीं समझ के वो कास्ट सिस्टम का प्रयोग करते थे, तो उन्होंने एक मिडिल पर रास्ता निकाला। लेकिन आप देखे हैं कि गुरुबाणी में जो हमारे गुरु नानक देव जी महाराज हैं, इनकी टीचिंग में तो राम जी का वर्णन आ रहा है, शिव जी का वर्णन आ रहा है, कृष्ण जी का वर्णन आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोकल कल्चर की ही वो बात कर रहे हैं। वो अब बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस्लाम को ये समझना पड़ेगा। इस्लाम जो है वो अरबिक लोगों ने इजराइलाइट को ले लिया, वो खुद को इजराइलाइट नहीं कह सकते, वो अरबिक हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अब उसके बाद इन्होंने दुनिया भर में फैला दिया। तो अब आप जो है एक इजराइलाइट वाला जो रिलीजन था वो इसराइल तक ही रहने के रहना था उसको, वो गॉड ऑफ इसराइल थे। हाशिम नेवर सेड आई एम द गॉड ऑफ वर्ल्ड, उन्होंने कहा गॉड ऑफ वो क्रिएटर है, लेकिन हमने कहा मैं किंग हूँ इसराइल का, उन्होंने कब कहा मैं किंग हूँ दुनिया का। तो पॉइंट ये है कि गॉड ने अगर मान लीजिए बनाया भी होगा तो उन्होंने कहा दुनिया का ये हिस्सा हमने तुमको दिया है, उन्होंने ये थोड़े कहा भारत भी हमने इसराइल को दे दिया, मगर अरबियों ने इसमें नया जोड़ दिया, उन्होंने कहा दुनिया का हर हिस्सा हमने तुमको दे दिया, तुम दोनों कायनात चारों कायनात के तुम मालिक हो, ये उनकी क्रिएशन है। जबकि गॉड ने जो प्रॉमिस किया यहूदियों को वो तो लोकल एरिया ऑफ माउंट साइनाई और ये जेरूसलम का दिया। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये हिस्ट्री में ये अब ये ऐसा तड़का लग गया रिलीजन का, और इंडिया में रिलीजन को एज अ टूल यूज कर दिया। भाई कोई किसी को माने कोई दिक्कत नहीं, आपको जीसस मानना है जीसस माने, आपको प्रॉफिट मोहम्मद माना है प्रॉफिट मोहम्मद माने, आपको मूसा को मानना है आप मूसा को माने, आपको जिसको मानना है माने, लेकिन आपको लॉज की लड़ाई हो रही है यहाँ, एम्पायर की लड़ाई हो रही है कि हमको लॉ चाहिए, मजहब की लड़ाई नहीं है, दीन की लड़ाई है, हमको अपना राज चाहिए, हमें निजामे मुस्तफा चाहिए, दैट इज द प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब लेकिन ईरान जैसे जो व्यवस्था है एक्चुअल में प्रैक्टिकल उसका देखेंगे अप्रोच उसका व्यू वर्ल्ड वाइड, तो ये लोग भी जब तक करेक्शन नहीं करेंगे तो दुनिया में शांति नहीं आएगी। करेक्ट, दुनिया में नहीं भाई, ये दुनिया कहां से आ जाती है इसमें? नहीं नहीं दुनिया मतलब दुनिया कहां से आती है? ये तो मुश्किल से इतना बड़ा रीजन है जिसको आप वेस्ट एशिया कहते हैं, मिडिल ईस्ट से लेके अफ्रीका का, अफ्रीका तक इसका जो इफेक्ट है और जो दुनिया के कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए दुनिया की बात कर दी हमें। भाई ये देखिए 4.1% है ये ग्लोब के लैंड एरिया का, ये जो टोटल आप, अरे भाई यही हो रहा है ना जिसको आप वर्ल्ड पीस कह रहे हो, वर्ल्ड कहां से हो गया? दुनिया का अगर 100% जमीन है, 100 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये 4.1 स्क्वायर किलोमीटर है, तो दुनिया कहां से इन्फ्लुएंस हो गई? इससे क्या हो रहा है नॉर्थ अमेरिका में, क्या हो रहा है हमारे आपके ऊपर, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं मेरा कहना यह है डॉक्टर साहब कि अभी जो हमास और इजराइल के युद्ध हुआ इसमें इम्पोर्टेंट रोल ईरान का है, उसको कोई बोल नहीं रहा है, उसी ने प्रोत्साहित करके करवाया है सबकी, सबको पता है ईरान का, अमेरिका ने अपने फ्रिगेट इसीलिए भेजे हो ईरान को और कतर को, दोनों को स्टर्न वार्निंग दे दी गई कि अगर तुम इसमें कूदे तो इसका तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चुप होके बैठ गए वो लोग, इसराइल को दे दिया है फ्री हैंड, जाके मारो हमास को, क्या कर रहे हैं हिजबुल्ला, क्या कर लिया, सीरिया पे बॉम्बिंग हुई, लेबानन पे बॉम्बिंग, लेबनान पे बॉम्बिंग हुई, क्या हो गया, क्या कर लिया इन लोगों ने,
कौन सा वर्ल्ड वॉर बन गया? कासिम अहमद सुलेमानी को मार दिया, कौन सा वर्ल्ड वॉर बन गया? 4% ऑफ वर्ल्ड, ये जो टोटल लैंड एरिया में ये सब हो रहा है, बाकी कोई ये ऐसा नहीं कि दुनिया के 50% 25% लैंड एरिया में, ये बात मैं आपको जो है, अगर जिसको डाउट है तो ये, हाउ बिग इज द मिडिल ईस्ट इन किलोमीटर स्क्वायर बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट रीजन एक्सटेंड्स ओवर 6.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर विच इज 2.3 मिलियन माइल्स स्क्वायर विच इज 4.1% ऑफ द ग्लोब्स लैंड एरिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 230.3 मिलियन और 3.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 4% का लैंड एरिया और 3% के वर्ल्ड पॉपुलेशन में लड़ाई हो रही हो, कह रहे वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं है वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें अमेरिका जुड़ा हुआ है, उसने अपना सेना गाड़ दिया है, उसने कहा इजराइल और कतर से जो करना है तुम करो, हमास को ये मार के रहेंगे, बात कदम है। हमारे आपके लिए जेरूसलम की क्या वैल्यू है? जीरो वैल्यू है जेरूसलम की। नहीं, हमारे आपके लिए, हमारे आपके लिए मक्का की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है हमारे आपके लिए मक्का की। तो ये दुनिया का प्रॉब्लम कैसे हो गया? मक्का और जेरूसलम में जो हो रहा है वो आपस में जाने, वो तो हमें बता रहे थे कि भाई हम तो रिलीजन ऑफ पीस हैं और ये पेगनिज्म है, तुम लोग को नहीं पता है, और हम तो एक ईश्वरवाद है और एक ईश्वरवाद से दुनिया में पीस आएगा। एक ईश्वरवाद से जब से आया दुनिया में मार काट के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है, पूरा पूरा आपने एक ईश्वरवाद के नाम पे पूरा अमेरिका को, साउथ अमेरिका, अरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को आपने तहस नहस किया, उसी के नाम पे आपने दुनिया भर में वो कमाए। उसके बाद फिर ये मुसलमानों की लड़ाई बन गई क्रिश्चियनों के साथ, फिर उसके बाद यही लड़ाई सेंट्रल एशियन जो होते हैं वो उन्होंने वो अपना उठे मारकाट मचाने, उनको कन्वर्ट कर दिया सेंट्रल एशियन को। सेंट्रल एशियन पहले भी मारकाट करते थे, उनको मारकाट करने के लिए एक नया रीजन मिल गया, पहले वो खाने के लिए दूसरों को तबाहो बर्बाद करने के लिए करते थे, उसके बाद उनको एक वो मिल गया मिशन ऑफ गॉड। मतलब कितना उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया, कौन है ये सेंट्रल एशिया और ये सब एरिया मिला करके? अगर आप देख लें सेंट्रल एशिया का जो टोटल लैंड एरिया है वो कितना है, सेंट्रल एशिया का अधिक से अधिक 40 लाख वर्ग किलोमीटर होगा स्क्वायर। एग्जैक्टली तो आप सोचेंगे कि तो उससे भी छोटा हो गया। अगर आप देखें एशिया जो है वो 30% ऑफ द अर्थ ग्लोबल लैंड एरिया है। हाँ, एशिया जो है वो 30% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया एंड 8% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया। यानी कि वाटर वाटर हटा दीजिए तो 8% ऑफ सर्फ वो एरिया है एशिया। अब आप सेंट्रल एशिया का देख लीजिए, कैस्पियन सी से लेकर के चाइना के वेस्टर्न बॉर्डर तक ये एरिया मिलता है। 40 लाख वर्ग किलोमीटर हो, 60% एरिया जो है इसका जो है वो खाली डेजर्ट है। हाँ। और सेंट्रल एशियन तो खत्म हो गए, सेंट्रल एशियन तो नहीं लड़ना चाहते ना। अब अगर इस्लाम को कोई रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल एशिया में तो वो टर्की है। सेंट्रल एशियन ने तो कोई रुचि नहीं दिखाई है कि हम जाकर के लड़ाई लड़ेंगे, और इसके वहां पे कुछ अगर 1,000-1,200 लोग या 25-30,000 लोग है वो अपना उनकी फीलिंग है तो होगी, मगर स्टेट उसको नहीं सपोर्ट कर रहा है, रशियंस ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। थ्योरिटिकल प्रॉब्लम लोगों को बताया नहीं गया है, लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया है बिना कुछ समझाए। अगर लोग आप पढ़ेंगे, उनको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की सही नॉलेज देंगे, लोग समझ जाएंगे। हर किसी के अंदर एक स्पिरिचुअल कोशेंट आएगा ही आएगा, क्वेश्चन यह है कि उस स्पिरिचुअल कोशेंट को आप कैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आपको अल्लाह चाहिए, आप अल्लाह ले लो, प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट ले लो, मगर वो स्पिरिचुअल रखो, पॉलिटिकल नहीं बनाओ उसको भैया। कि हमको अब जो लॉज है वो अब मतलब हजारों साल की ह्यूमन सिविलाइजेशन में और सिर्फ 1,000-1,200 साल पहले जो है या 2,000-2,500 साल पहले लॉज भेजने शुरू किए, वो भी वो लॉज जो कि बाकी सोसाइटियां सब एकदम बन गई हैं, एकदम चपक गई हैं अपने लॉज और कस्टम्स और कन्वेंशन के साथ, आप कह रहे हो अब इन सब लॉज को डिसमेंटल करो, ऐसे कैसे हो रहा है भाई? और कह रहे हो इसके थ्रू पीस आएगा, ऐसे नहीं होता। आपको स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट लेना है, लें। इंडिया में इस चीज को समझाना चाहिए था हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को, हमारे भाई बहन है भाई, हमें लोग गालियां देते हो आप भैंस के आगे बीन बजा रहे, नहीं भाई आपको बात करनी पड़ेगी, हमारे ही भाई बहन है, ये समझ में आएगी। और उसमें कुछ वॉलेंट घटनाएं होंगी तो होने दीजिए,
बातचीत तो करनी पड़ेगी ना, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज तो बातचीत है, और तो कोई इलाज नहीं है। मार काट रो इलाज है क्या? रक्तबीज की कहानी आपने नहीं पढ़ी? आप 100 मारोगे 100 और पैदा हो जाएंगे। मरने से कोई नहीं डरेगा, दमन से चीजें नहीं आएंगी। दमन से तो और लोग और रिवोल्ट हो जाएंगे, और ज्यादा उनको वो मिलेगा, वो उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर देंगे। तो आप अगर इसका मिलिट्री सोल्यूशन जा रहे हो, वो नहीं होने वाला। मिलिट्री सोल्यूशन एक पार्ट है जी, जैसे आप तो यही कह रहे हो ना, जब तक ईरान रहेगा इसराइल में पीस नहीं होगा। लेकिन इसराइल अगर ईरान के सोचने का तरीका बदल जाए, पीस हो जाए। माने मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ, ईरान जैसे जो राष्ट्र हैं, उनको भी अपने आप में करेक्शन करने की जरूरत है। सेक्युलराइजेशन है ना, उसी को सेक्युलराइजेशन कहते हैं। हाँ हाँ, तो वो सेक्युलराइजेशन के पथ पे जाना है, क्योंकि जितने भी अब्राहमिक फेथ हैं सबने सेक्युलराइज किया। अब ये सोचना होगा ईरान को कि क्या वो अभी भी उसी आइडियोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं। तो नफरत पाल के बैठे यहूदियों को, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। टोटल ये खेल 3-4% ऑफ द लैंड एरिया में हो रहा है। टोटल इसे 2-3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और मारो काटो खुद को। और यहाँ पे हो जाएगा 150 लोग मर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है किसी को सर पे खून चवार हो जाए तो लेकर तरवाई दो काट ले। मगर ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ होता रहता है। कोई हमको इसलिए मार सकता है क्योंकि किसी को मेरा पैसा चाहिए, कोई हमको इसलिए भी मार सकता है कि किसी को अपने रिलीजन में उन्माद हो किए, तो काफी इसका गर्दन काटो। ठीक है ना, लेकिन ये डिस्टिंक्शन करना जरूरी है कि मेरा कत्ल क्यों हुआ। क्योंकि आपको टेररिज्म से भी लोग मरते हैं, नॉर्मल क्राइम से भी लोग मरते हैं, और उसके बाद एक्सीडेंट से भी लोग मरते हैं। आप तीनों डेथ को एक चीज नहीं कह दोगे, क्योंकि आप तीनों के लिए तभी लॉ बनाओगे जब आप अंडरलाइंग डिस्टिंक्शन कर पाओगे। अगर आप पेंट करने लगोगे कि ये भी वही मरा, वो भी देखो वो मरा, वो भी की भी डेथ हुई, इसकी भी डेथ हुई, तो ऑब्जेक्टिवली तो सब डेथ है और यही प्रॉब्लम है, तो ये बेवकूफी की बात है। आपको यूएपीए में लॉ बनाना पड़ेगा टेररिज्म को। आपको एक अलग रिलीजन, आपको एक अलग जिसे कहते हैं वन ऑफ इट्स ओन काइंड सुई जनरिस, आपको एक क्राइम बनाना पड़ा। तो पॉइंट ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रीजन, और उन रीजंस के हिसाब से आपको रेमेडी लेनी पड़ेगी। जी जी जी, तो ईरान में, ईरान जैसे विचारधारा या दुनिया में कहीं और भी हो, उनको आत्मचिंतन की जरूरत है। आप ईरान ही क्यों कह रहे हैं, ये तो कतर और ईरान दोनों की विचारधारा है, एक पर्शियन है और एक अरबी है। लेकिन वो विचारधारा को, हाँ वो ईरान, इसीलिए ईरानी क्रांति से जो एक विचारधारा जो हुई है, वो ऐसे चाहे कतर हो चाहे यमन हो, सबको सबको सोचने की जरूरत है। इसराइल को भी सोचने की जरूरत है कि आज के इसराइल को सोचने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इसराइल सोचेगा, क्योंकि इसराइल के अंदर मैं गया हूं, देखिए ये जो है ना, ये फॉल्स सिक्वेंस नहीं करनी चाहिए। इसराइल के अंदर मैं गया हूं, वहां मुस्लिम धर्म से रहते हैं। इसराइल को यह सोचने की जरूरत है कि वो जो लैंड वो खा रहे हैं उस ऑक्यूपेशन को कम करें। मगर दिक्कत यह है कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है वो सामने वाली पार्टी को नहीं मंजूर है, ये रियलिटी आपको मानना पड़ेगा। नहीं, वो तो उसी को मान रहा हूं, लेकिन जैसे अभी ये जो हम जो गाजा पट्टी है उसको पूर्ण रूप से अपन आप ले लें, इजराइल अगर सोचे, इस विचारधारा की बात कर रहा हूं, आप नियंत्रण कर सकते हैं कुछ अलग ढंग से उसका, कर सकते हैं। अल्टीमेटली यही होगा, अल्टीमेटली यही होगा। आपको दोनों में से कोई एक अल्टीमेटली पूरा ही लेगा। उसका एक ही सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है, सेक्युलरिज्म। जब आप इंसान को इंसान की दृष्टि से देखोगे, बात खत्म हो जाएगी। नहीं तो उस करेक्शन, इसीलिए मैं डॉक्टर साहब करेक्शन, दोनों की करेक्शन इसी बात को कर रहा था। सेक्युलरिज्म होनी चाहिए दोनों को। तो इसराइल का करेक्शन तो सेक्युलरिज्म नहीं है, इसराइल तो ऑलरेडी सेक्युलर है। इसराइल का करेक्शन ये है कि वो ये उनको ये बात पता चल गई है कि आप टू स्टेट सोल्यूशन काम नहीं करेगा। गाजा को उन्होंने 2005 में हैंड ओवर कर दिया था, क्या हो गया फिर? वही हुआ। पॉइंट ये है कि आदमी एक्सपीरियंस से सीखेगा ना। हम आप जो है वो एक फेलो, दोनों को खुश करने के लिए, तुम्हारी भी गलती तुम्हारी भी गलती, ऐसे नहीं चलेगा। इसराइल की गलती है ऑक्यूपेशन, उन्होंने किया। मगर वो गलती उनकी ये है कि अब वो चाहते हैं कि हम कंप्लीट सिक्योर हो जाएं, क्योंकि जैसे ही वो बने आपने अटैक कर दिया। 1947 में अटैक कर दिया, 48 में उनके ऊपर, उसके बाद 1963 में, फिर 67 में आप अटैक पे अटैक करते चले गए उनके ऊपर। तो ऐसे तो नहीं वो होता ना कि वो इसराइल को पता है कल को अरब कंट्रीज अगर स्ट्रांग हो गई, अरबिक लोग अगर स्ट्रांग हुए तो वो फिर से खा जाएंगे इसराइल को, जब बचने नहीं देंगे। जैसे पाकिस्तान है, कल को स्ट्रांग हो जाए
तो इसराइल पाकिस्तान एक मिनट नहीं लगाएगा आपको और हमको रौंदने में। नहीं, ईरानी विचारधारा के अधिकांश इस्लामिक राष्ट्र हैं सर, आप देख लीजिए, ये किसी को नेशनलिटी नहीं देते, इस बात को हमको मानना पड़ेगा। जो ईरानी विचारधारा है को एग्जिस्टेंस को पूरा इग्नोर करना, ये अधिकांश इस्लामिक राष्ट्रों में है, ये बात आप इसको माने कि ये इस्लामिक राष्ट्र बिल्कुल नहीं मानते, वो आपको अपने से जूनियर समझते हैं, वो समझते हैं। अरब कभी आपको अरब नहीं बनने देगा, अरबी कहता है मुसलमान बन जाओ, अरबी बनने का तो सोचना भी मत, अरबी तो ईरानियों को नहीं मानते, अरबी ये तुर्कियों को अरबी नहीं मानते, वो नेशनलिटी देते ही नहीं भाई। अब हम दुनिया में कैसे दे देंगे जब आप अरब कैसे बना देंगे, उनका कहना है अरब एक प्योर रेस है, अरब तुम हर कोई आदमी अरब नहीं बन जाएगा। तो हालांकि ऐसा भी नहीं कि सबको नहीं देते, कुछ लोगों को दी है, दो तीन इंडियंस मैं जानता हूं जिनको वो सिटीजनशिप मिला हुआ है, वो दो तीन को दे दिए हैं सर, लेकिन देते थोड़ी है। जैसे ईरान में देखिए 99% मुसलमान है, आज टर्की में 99% मुसलमान है, तो वो लोग वो उसको देखिए मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है क्या? क्या आप अरबी जो है वो पाकिस्तानी मुसलमान को दे देगा सिटीजनशिप? नहीं देगा। मैं उसी को बोल रहा हूं डॉक्टर साहब, टर्की में 1931 की स्थिति में 20% क्रिश्चियन और सब थे, लेकिन आज 1% भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये आइडियोलॉजी जो है, जो किसी एक कोएग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी अरबियन कंट्रियों को लेबर की जरूरत है, तो हमको वर्कर के रूप में रखे हैं, नेशनलिटी नहीं देते हो किसी को। हमें तो ये तो बिल्कुल सबको पता है ना कि आप ऐसा नहीं कि जैसे जब ऑटोमन एम्पायर था तो ऑटोमन एम्पायर में ऐसा नहीं था कि क्रिश्चियंस नहीं रहते थे, रहते ही थे, उनके एरिया में शासन था तो थे, लेकिन तो थे ना, अगर वो चाहते तो सबको कन्वर्ट कर देते। हाँ। थे तो आप ये भी कह ले, वो क्रुसेड हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, गोरों ने भी लड़ाई लड़ी, तुर्कों ने भी लड़ाई लड़ी, बहुत घमासान लड़ाई हुई, कुछ लड़ाई गोरों ने जीती, कुछ लड़ाई इन्होंने तुर्कों ने जीती, मगर ये कि तुर्क एक फोर्स तो है ही है, उसने अपने आप को लड़ाई के थ्रू साबित किया है। बट पॉइंट ये है कि वो लड़ाई चूंकि महदूद रह गई, अब ये जो लड़ाई अगर हुई कभी, तो अब ये लड़ाई क्रुसेड नहीं होगा, इस्लाम वर्सेज क्रिश्चियनिटी। हिंदुओं ने भी लड़ाई लड़ी, हिंदुओं की लड़ाई को क्रुसेड कभी नहीं कहा, हिंदुओं ने भी खूब लड़ाई लड़ी है और उसको क्रुसेड नहीं कहा गया, लेकिन अब जो लड़ाई होगी वो लड़ाई होगी इस्लाम वर्सेस ह्यूमैनिटी की लड़ाई होगी, अगर वो लोग नहीं बदले तो। क्योंकि देखिए इसराइल के सपोर्ट में दुनिया एक तरीके से खड़ी, हालांकि एक ज्यूइश हेट्रेड जो है इवन क्रिश्चियन कंट्रीज में भी पाया जाता है, इतना आसान नहीं है इसराइल के लिए, उनका ज्यूइश बैकग्राउंड उनके फेवर में नहीं आता है, क्योंकि इवन अमेरिका में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये अंदर से नहीं चाहते कि इसराइल जो सरवाइव करे, क्योंकि वो यहूदी है। तो पॉइंट में एंटीसेमिटिज्म इज अ रियलिटी, मैं ये कह रहा हूं, मगर बाय एंड लार्ज दुनिया जो है अब क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन वर्ल्ड अपने आप को कल्चरली तो क्रिश्चियन मानती है, पॉलिटिकली वो ह्यूमन मानना चाहती है। इंडियन भी अपने आप को कल्चरली तो इंडियन मानते हैं, पॉलिटिकली, और हमारी तो कल्चरल और पॉलिटिक्स दोनों ही ह्यूमैनिटी की थी, हमने तो दुनिया को आम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम बोलने वाले ही हम थे। तो हम इसलिए आज हम ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हुए हैं, वेस्ट हमारे साथ खड़ा हो गया। अब अगर ये लड़ाई हुई तो ये लड़ाई ह्यूमैनिटी वर्सेस इस्लाम की होगी। दिस विल बी क्लैश ऑफ, आप कह लीजिए, बार्बरिज्म वर्सेस सिविलाइजेशन। क्या आप लोगों को छोटा समझते हो बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस बिलीफ? आप अपने कल्चर को बेहतर और दूसरे के कल्चर को गंदा समझते हो? और दोनों विश्व युद्ध के कारण भी यही था, जो आज है वही था। दोनों विश्व युद्ध पहला विश्व युद्ध का कारण तो यूरोप की अपनी लड़ाई थी, वो सर्बियन किसी ने क्वीन को मारो, वो पहला विश्व युद्ध तो उनका लोकल, लेकिन उसके मूल जड़ में जाएंगे आप, दुनिया वर्ल्ड वाइज स्टडी करेंगे उसका, तो मूल जड़ यही था, जो आज जो हो रहा है वही था। देखिए ये तो हमें आपको पढ़ा दिया ना कि वर्ल्ड वार 1919 में हुआ, तो क्रुसेड क्या था, उसको वर्ल्ड वार क्यों नहीं कह रहे हो? अगर आपके हिसाब से हम चलेंगे तो क्रुसेड वर्ल्ड वार बन जाता है ना, बिकॉज की सेंट्रल एशियन और ये मर गए। देखिए बेचारे नॉर्थ अमेरिकन तो लड़ने ही नहीं आया, वर्ल्ड वार कह रहे हो। वर्ल्ड वार को इसलिए कहना शुरू कर दिए क्योंकि अमेरिका जो था वो नॉर्थ में रहता था, दूसरे अपर सब कॉन्टिनेंट सॉरी नदर हेमिस्फीयर में, उस वजह से उसको अमेरिका कहा गया। बेसिकली लड़ाई हमेशा यूरोपियन वॉर रही है, वर्ल्ड वॉर हुआ ही नहीं कभी। अगर यूरोपियंस अमेरिका में जाके नहीं बसे होते तो फिर वो पर्ल हार्बर ही नहीं होता, वो कहीं
रशिया में बम गिरता जापान का, या कहीं जर्मनी यूरोप में फ्रांस में गिरता कहीं वो जापान का बम। तो जिसको ये वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं, ये बेसिकली यूरोपियन वॉर रहा है हमेशा से। देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्ल्ड वॉर, इट हैज ऑलवेज बीन अ यूरोपियन वॉर। यूरोप में लड़ाई हुई उसको आप वर्ल्ड वॉर कह रहे हो। अब हमारे आपके लोगों को पढ़ा दिया है, लोग पढ़ के मस्त है, मगन है, वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर, हमारा आपका क्या लड़ाई से लेना था उसका। हम भी जाके लड़े उसमें। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन में थे तो हमारे तो 25-25 लाख से लड़े। इतने शाड़े हैं यूरोपियंस, इन्होंने दुनिया भर में कत्लेआम मचाया, दुनिया भर में मार कटाई की, अपने यहाँ पे ये इनका जो लाइफस्टाइल था इतना प्रिमिटिव था, खुद को इन्होंने बता दिया मॉडर्निटी का गहवारा, और हमको आपको दुनिया में बता दिया ये हम और आप जो है वो स्नेक चार्मर है। अपनी लड़ाई को तुमने जो है वर्ल्ड वॉर वन बना दिया। तुम्हारी लड़ाई थी वो वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ? सर्बियन किंग को मारने वाला कोई एक बॉस्नियन या कौन सो था, सर्बियन था, जाके उसने मार दिया था ड्यूज को या किसको। तो क्या लेना देना है भाई अमेरिकन का, क्या लेना देना है हमारा? लेकिन चूंकि वो यूरोप से अपने आप को वो व्हाइट अमेरिकन जोड़ते हो, तुमने वो सारे अमेरिकन के ऊपर थोप दिया। अमेरिकन मतलब पेरुवियन, बोलिवियन, रेड इंडियंस, अपाचेस, ये है अमेरिकन। क्या लेना देना इनका यूरोप से? यूरोपियन वॉर को तुमने दुनिया का वॉर बना के बताओ, लोग पढ़ के उसको नशे में धुम में एकदम से। अरे भाई आप अपने यहाँ का, हम लोग अब इंग्लिश में डिसीजन देते हैं तो आपको वर्ल्ड मिल जाएंगे, ह्यूमन राइट नोहाज आर्क ऑफ दिस थिंग। आपको अपनी कल्चर और हिस्ट्री से अब लिखने पे पढ़ने वाले जजेस नहीं मिलेंगे आपको। और क्यों मिले हैं? हम ही तो जज बना रहे हैं, वो बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं? सूफिज्म इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर बना दिया है। सूफिज्म को पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर बना दिया। अब आप क्या है उसमें मुझे नहीं पता। सो पॉइंट ये है कि इंडियन कल्चर क्या आप किसी को पता ही नहीं है। और देखिए साउथ इंडिया में तो नहीं, नॉर्थ इंडिया में बोलिए, 600 साल तक जो आप अभी फारसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज रहा है एक प्रकार की 600 साल तक। अंग्रेजों ने भी 1962 में वन ऑफ दी कोर्ट लैंग्वेज। अरे भाई ये जो काल से लेकर सल्तनत काल तक, मुगल काल से मुगल और सल्तनत कौन थे? ये या तो टर्क्स थे या तो पर्शियन थे, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज इनका फारसी था, तो वही उनका बातचीत का लैंग्वेज है ना। सबका नहीं था, कुछ लोगों ने तुर्किश को भी बनाया था अपना, लेकिन फारसी इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पर्शियन रीजन है इसने हजारों साल से सेंट्रल एशिया पे अपना इन्फ्लुएंस डाला है। भारत में बहुत साल तक डाला है पर्शियन एम्पायर से। आप सेंट्रल एशियंस को नहीं अलग कर सकते। नवरोज मनाते, मैंने आपको बता दिया, नवरोज को 1-2 साल पहले का त्योहार तो नहीं है ना। लेकिन आज की जो क्रांति के बाद जो वहां व्यवस्था है वो दुनिया के लिए इस्लामिक व्यवस्था है, वो तो पर्शियन व्यवस्था नहीं है ना। उसको ईरानियन तो आप नहीं कह सकते, वो इस्लामिक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर्शियन तो ज़ोरोस्ट्रियन की व्यवस्था होगी ना, पर्शियन तो वर्शिपर ऑफ फायर होंगे ना। और लैंग्वेज को बोलने वाले पारसी हैं, टाटा जो है वो तो पारसी बोलते हैं अपने घर में, पर वो तो ईरान का पार्ट नहीं रह गए ना। जी इस्लाम के आने के बाद तो जी, तो डॉक्टर साहब इसमें आप थोड़े कंक्लूजन रिमार्क दीजिए कि जो ईरानी जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट है और उसके जो वर्ल्ड वाइज व्यू है उसके बारे में दो कुछ कंक्लूजन रिमार्क दीजिए। फिर ईरान कतर ये दे आर द एपिसेंटर ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी दुनिया में। इस्लामिक जैसे कश्मीर पे कुछ भी होता है तो ईरान तो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देता ही देता है, इशू करता ही करता है। बिल्कुल, तो पॉइंट यही है कि फ्यूचर ऑफ इस्लाम क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। फ्यूचर ऑफ इस्लाम गज़वाए हिंद है क्योंकि बिकॉज इस्लाम को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से कुछ नहीं लेना, जो भी लेना है वो सब सदर्न हेमिस्फीयर से लेना है। ये बात, ये तो इस्लामिक वर्ल्ड को डिसाइड करना है कि गजवाए हिंद और गजवाए रोम के बाद जो है वो दुनिया खत्म होनी है। तो यही है फ्यूचर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के मानने वालों को सोचना है, अगर उनका ये मानना है तो फिर तैयारी इसकी करें वो, गजवाए हिंद और गजवाए रोम की।
ये फ्यूचर ऑफ इस्लाम है, अगर नहीं तो फिर वो अपना खुद से डिसाइड कर लें। मानवता की तरफ जाना है तो मानवता का रास्ता अपना है, ह्यूमैनिटी का रास्ता अपना है। धन्यवाद वकील साहब, आपसे बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा। हम फिर मिलेंगे किसी अगले अंक में। आप सभी को नमस्कार।